गुजरात में कैसर की बुआई का रकबा बढ़ सकता है। वही कीमतें अच्छी होने के चलते आने वाले सीजन में इसके उत्पादन में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। कैस्टर ऑयल और कैस्टर मील की निर्यात मांग ठीक ठाक देखने को मिल रही है, जिससे कैस्टर की कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन वायदा बाजार में कैस्टर की कीमतों में काफी समय से सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। कैस्टर की कीमतें काफी समय से NCDEX पर 6400 से 6500 के घरों में कारोबार कर रही हैं। कैस्टर की कीमतें 6500 के ऊपर जाती तो है, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हो पाती है। कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है, जिससे एक्सपोर्ट और कैस्टर की डिमांड में थोड़ी कमी देखने को मिली है। जानकारों के अनुसार कैस्टर जितनी बार 6500 के ऊपर जाएगा, इसमें इतनी बार मुनाफा वसूली अभी हाल फिलहाल में बनती नजर आएगी। फिलहाल कैस्टर में यही रुझान देखने को मिलता रहेगा, ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने को मिलती रहेगी। जानकारों के अनुसार कैस्टर को 6250 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में कीमतें 6560 से लेकर 6580 तक जाती नजर आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।